प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकायाः त्रिदिवसीय यात्रायाः अनन्तरं मिस्र यात्रायै प्रस्थितवान्। मिस्र देशस्य द्विदिवसीय राजकीय यात्रावधौ मोदी राष्ट्रपतिम् अल सीसी इत्येतं मेलिष्यति। हेलियोपोलिस हुतात्म स्मारकं प्राप्य प्रथम विश्वयुद्धे हुतात्म भारतीय सैनिकेभ्यः श्रद्धांजलिं समर्पयिष्यति। वाशिंगटन डीसी स्थिते रीगन सेंटर इत्यत्र प्रवासी भारतीयान् संबोधितवान् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। उक्तवान् एतेषु त्रिषु दिवसेषु भारत अमेरिकयोः पारस्परिक संबंधानां नूतन यात्रास्ति आरब्धा। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इत्येतत् प्राप्स्यति बलम्। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजिते कार्यक्रमे अभवत् सम्मिलितः। प्रधानमंत्री अमेरिका स्वप्नान् अग्रे नेतृणां लोकानां कर्मठता सातत्यं च वर्धापितवान्। सः उक्तवान् यत् भारत अमेरिकयोः सहभागिता एकविंशे शताब्दे विश्वस्य भाग्य परिवर्तनं कुर्यात्। राजकीये मध्याह्न भोजने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भव्यं स्वागतम्। प्रधानमन्त्रिणा उपराष्ट्रपतिना कमला हैरिस इत्यनया विदेशमन्त्रिणा एंटनी ब्लिंकन इत्यनेन सह कृतं मेलनम्। नरेन्द्र मोदी उक्तवान् वयं उदीयमानेन प्रविधिना सह कार्यं कुर्वन्तः स्मः। भारत अमेरिका देशयोः लोकानां परस्परं मित्रता इतोपि गूढा भवितव्या। उपराष्ट्रपतिना कमला हैरिस इत्यनया कथितं भारत प्रयासेभ्यः जगत् भवति लाभान्वितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाईटेक हैंडशेक इति कार्यक्रमे संयुक्त राज्य अमेरिका भारतयोः शीर्षैः कार्यकार्यधिकारिभिः समं मेलनं कृतवान्। निवेश सम्बद्धेषु प्रकरणेषु चर्चा जाता। उपवेशने संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः अपि सम्मिलितवान्। अमेज़न बोइंग गूगल इत्येषां समवायानां प्रमुखैः अपि प्रधानमन्त्रिणा मेलनं कृतम्। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर स्थितिं समीक्षितुम् अद्य नवदिल्ल्यां सर्वदलीयं उपवेशनं करिष्यति। केन्द्र प्रशासनेन राज्यस्य प्रवर्तमान स्थितौ यथा आवश्यकं दृष्टिः संधार्यते। सैफ इति पदकन्दुक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य सामुख्यं नेपाल दलेन समं भविष्यति। गते द्वन्द्वे भारतेन पाकिस्तानं पराभूय जयः प्राप्तः आसीत्। जयक्रमः अग्रे अपि सारयितुम् अत्र भविष्यति भारतस्य प्रयासः। अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः वाशिंगटन डीसी स्थिते रीगन सेंटर इत्यत्र प्रवासी भारतीय कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहभागं कृतवान्। अथ च संयुक्त राज्य अमेरिकायाः विकासे भारतीयानां निर्व्याज परिश्रमम् अपि अभिनन्दितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकया सह भारतस्य सहभागितां नूतन यात्रात्वेन प्रतिपादितवान्। भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक इति समवायेन भारते जेट इंजन इति यंत्र निर्माण सहमतिः, सेमीकंडक्टर इत्यस्य निर्मातृ समवायः,
गूगल अथवा बोइंग द्वारा सहयोग निवेशस्य घोषणा इति एतान् विषयान् उद्दिश्य प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् एते विषयाः नवाचार मार्गान् उद्घाटयिष्यन्ति। ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। वी आर नॉट जस्ट फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स, वी आर शेपिंग लाइव्स, ड्रीम्स एंड डेस्टिनीज। H-1B वीजा इति पारगमन पत्रं पुनः नवीनं कर्तुं अधुना प्रवासिभिः संयुक्त राज्य अमेरिकातः बहिः न गन्तव्यं भविष्यति। H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे IT प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। भारतस्य वर्धमानं आत्मविश्वासं प्रधानमंत्री प्रगतिकारणत्वेन उद्घोषितवान्। सः उक्तवान् यत् परातन्त्रकालखण्डे भारतस्य आत्मविश्वासः नष्टीकृतः आसीत्, परं भारतं किल स्वकीयं मार्गं दिशं च जानाति। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम कैनेडी सेंटर इत्येतेन आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिकायाः विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इत्येषः अपि उपस्थितः दृष्टिंगतः। अवधेयास्पदमस्ति यत् संयुक्त राज्य अमेरिका इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम इत्येतस्य मंचस्य मुख्यम् उद्देश्यम् संयुक्त राज्य अमेरिकां भारतं च अंतरा द्विपक्षीय रणनीतिक सहभागितानां सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिकायाः उत्कर्षतायै लग्नान् श्रमशीलान् जनान् प्रशंसितवान्। भारतीयानाम् आकांक्षाः च भारतस्य विकास मंत्रत्वेन उक्तवान्। ये पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है कन्विक्शन की, ये पार्टनरशिप है कंपेशन की, और ये पार्टनरशिप है एक बेहतर विश्व के लिए शेयर्ड कमिटमेंट की। और इस पार्टनरशिप की बुनियाद, इसकी नींव आप है, अमेरिका के और भारत के नागरिक है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका मध्यगतः रक्षा सहयोगः प्रधानमंत्रिणा नवोत्कर्षः प्रतिपादितः। सः उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः सहभागिता नागरिकाणां हिते एव अस्ति। एतां सहभागिताम् इतोपि समेधितुं व्यापारान्तरिक्ष रक्षा क्षेत्रेषु ऐतिहासिक पदक्रमाः उत्थापिताः।
प्रधानमंत्री भारतस्य विकासे यूनां भूमिकां प्रशंसितवान् उक्तवान् यत् युवभारतेन सह जगतः येऽपि देशाः संयुक्ताः भविष्यन्ति तेऽपि उत्कर्षतां प्राप्स्यन्ति इति। जब दुनिया को कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी। हमारा दिल बड़ा है, विश्व शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट उससे भी बड़ा है। साथियों, शंका आशंका के इस दौर में आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसलिए जो भी देश इस समय भारत से जुड़ेगा उसका उतना ही फायदा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इत्येषः प्रधानमंत्रिणः यात्रां प्रधानमंत्रिणः मोदिनः अमेरिका यात्रां ऐतिहासिकं प्रतिपादितवान्। द्वयोः देशयोः समेधमाना सहभागिता अपि तेन प्रशंसिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवासरे द्वितीय वारं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः संसदः संयुक्ताधिवेशनं संबोधयित्वा इतिहासं रचितवान्। इत्थं श्रीमोदी भारतस्य प्रथमः तादृशः प्रधानमंत्री अभवत् यो हि संयुक्त राज्य अमेरिकायाः कांग्रेस द्विधा संबोधितवान्। प्रधानमंत्रिणः संबोधनावधौ सांसदाः स्वस्थानात् उत्थाय करतलध्वनिना तदीयम् अभिवादनं कृतवन्तः। सदने मोदी मोदी इति नाम घोषः अपि संजातः। गूगल इत्येतस्य समवायस्य कार्यकार्यधिकारी प्रमुखेण सुंदर पिचाई इत्येतेन प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं कृतम्। भारते समेधमानान् प्रविधिपरकान् उपक्रमान् चर्चितवान्। प्रधानमंत्री साइबर सुरक्षा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इत्येतदर्थं सुंदर पिचाई इत्येनम् आमंत्रितवान् अस्ति। अमेज़न इत्येतस्य कार्यकार्यधिकारी प्रमुखः एंड्रयू आर जेसी इत्येषः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं मेलनं कृतवान्। अमेज़न समवायः भारते उत्कर्षं व्यापारं करोति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमितशाहः शुक्रवासरे श्रीनगरे जम्मूकाश्मीरस्य सुरक्षाव्यवस्थाविषयकं समीक्षोपवेशनं कृतवान्। एतस्मिन् हि उपवेशने जम्मूकाश्मीरस्य उपराज्यपालं मनोज सिन्हा इत्येतं समेत्य नैके वरिष्ठाधिकारिणः समुपस्थिताः अभूवन्। गृहमंत्री अत्र केन्द्रशासितप्रदेशस्य अद्यतनविवरणानि पृष्टवान्। गृहमंत्री अमितशाहः मणिपुरस्थितिं समीक्षितुम् अद्य नवदिल्ल्यां सर्वदलीयम् उपवेशनं करिष्यति। केन्द्रप्रशासनेन राज्यस्य प्रवर्तमानस्थितौ यथा आवश्यकं दृष्टिः सन्धार्यते। भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं बिहारस्य राजधान्यां पटनानगरे द्विदिनात्मकस्य श्रमिकसङ्घटनस्य L20 इत्येतस्य उपवेशनं गतदिने सम्पन्नम्। अत्र उपवेशने श्रमपरिष्कार सामाजिकसुरक्षासम्बद्धेषु प्रकरणेषु सविस्तरं चर्चाः समाचरिताः। तत्रैव बेङ्गलूरुनगरे अपि G20 समूहस्य अन्तर्गतं द्विदिवसीयः 14 युवपरामर्शकार्यक्रमः Y20 इत्येषः गतदिने समारब्धः। अत्र उपवेशने नाइजीरिया देशस्य पूर्व युव खेल विकास मंत्री संडे अंकिन डाके इत्येषः मुख्य अतिथित्वेन उपस्थितः संजातः। सत्रावधौ युवनेता नीति निर्माता विशेषज्ञ हितधारकादिषु युव सम्बद्धेषु विभिन्न विषयेषु विचारः भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्यस्य दार्जिलिंग जनपदे भारतीय जनता पार्टी तिदलस्य मंडल कार्यालयीय भवनं शुक्रवासरे विलंबरात्रौ अग्निना अदह्यत। पूर्वमपि सिलिगुड़ी स्थाने अज्ञातैः जनैः तत्रत्य कार्यालयः अग्निमयः कृतः आसीत्। एतन्मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभायां विपक्षनेत्रा सुवेन्दु अधिकारिणा कोलकाता नगरे उक्तं यत् एतादृशी अराजकता तावत्पर्यन्तं भविष्यति यावत्पर्यन्तं ममता बनर्जी शासनाधिष्ठिता वर्तते। सैफ इति पदकन्दुक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य साम्मुख्यं नेपाल दलेन समं भविष्यति। गते द्वन्द्वे भारतेन पाकिस्तानं पराभूय जयः प्राप्तः आसीत्। जयक्रमः एषः अग्रे अपि सारयितुम् अत्र भविष्यति भारतस्य प्रयासः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिस्सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।